व्हाट्सअप गाइस, एक और मस्त मजेदार ताबड़तोड़ डिबेट लेके आया हूं सुधांशु त्रिवेदी सर वर्सेस आशुतोष। उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब। और थग लाइफ मोमेंट्स भी होंगे, फैक्ट से भरपूर वीडियो भी होगी, तो लाइक करना मत भूलना, शेयर कर दो तो और बढ़िया। 1 2 3 गो। अगर किसी को सिर्फ मुख्यमंत्री बना देने मात्र से पूरी जाति का वोट अगर उनको मिल जाता तो आज की तारीख में अखिलेश यादव पिछले 25 सालों से उत्तर प्रदेश से कभी उनकी सरकार जाती नहीं, तो फिर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में फर्क क्या है? तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि कितने मुसलमानों को टिकट दिया, आज कह रहे हैं कि यादव को मुख्यमंत्री बना दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धरती पुत्र को संकुचित होते होते ये तय करना मुश्किल हो गया कि मैं भाई का नेता हूँ या पुत्र का नेता। लेकिन कभी कभी तथ्यों के साथ झोल कर देते हैं। मुखौटा नोच दूंगा, और इसी तरीके से कहा था जमीन के 6 गज नीचे गाड़ दूंगा। हाल कांग्रेस पार्टी का हुआ, वही हाल बीजेपी का ना हो। कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। आशुतोष जी, समीकरण चुनावी है क्योंकि जाति जनगणना का जोर है, और जो समीकरण बने हैं, एक डेप्यूटी, एक चीफ मिनिस्टर और दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हर स्टेट में, और एक एक मैसेज दिया गया है। क्या आप वाकिफ हैं सारे नामों से और इन समीकरणों से, और क्या आप मानते हैं कि ये एक ट्रंप कार्ड है, ना बादशाह ना गुलाम, पर नरेंद्र मोदी का ट्रंप कार्ड? नविता जी, मैं ताश के पत्तों से नहीं खेलता। क्योंकि ताश के पत्ते बड़े बेवफा होते हैं, कब किसको लंगड़ी मार दे पता नहीं चलता, और ताश का जो महल बनता है वो बड़ी आसानी से गिर भी जाता है, इसलिए मैं ताश के पत्तों में मेरी कोई आस्था नहीं। मेरे दो बड़े छोटे छोटे प्रश्न है। अगर किसी को सिर्फ मुख्यमंत्री बना देने मात्र से पूरी जाति का वोट अगर उनको मिल जाता तो आज की तारीख में अखिलेश यादव पिछले 25 सालों से या मुलायम सिंह यादव पिछले कई सालों से वो ओबीसी के नेता होते हुए उत्तर प्रदेश से कभी उनकी सरकार जाती नहीं। तो ये एक मिथ है कि हमने फला जाति के लोगों को खड़ा कर दिया इसलिए वो अब सारी जाति के लोग उनको वोट दे देंगे। दूसरा प्रश्न ये कि मोहन यादव जी को तो बनाया, अच्छा किया, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो किस तरीके से यादवों के खिलाफ दूसरी जातियों को लामबंद करने की कोशिश होती है, और यादव और मुस्लिम समीकरण पर किस तरीके की टिप्पणियां की जाती हैं, ये सुधांशु त्रिवेदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता। तो क्या उत्तर प्रदेश के यादव इस बात को भूल जाएंगे, और क्या बिहार के यादव इसको भूल जाएंगे? मुझे लगता तो नहीं भूलेंगे वो। खैर, ये एक अलग तरीके का प्रश्न। सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो वसुंधरा राजे सिंधिया की जो तस्वीर उस चिट को देखने के बाद सामने आई है, मुझे लगता है वो इस बात को दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, विधायकों की राय से अपने मुख्यमंत्री को चयन करने की बात करती थी, वो वसुंधरा राजे की उस तस्वीर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि शायद उनको अंतिम समय पता नहीं था, या शायद राजनाथ सिंह को भी नहीं पता था। वो चिट्ठी उनको दी गई, फिर उन्होंने देखा और उसका चेहरा उनका फक रह गया। अगर ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है किसी मुख्यमंत्री को चुनने का, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का फर्क क्या है? चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। तो सुधांशु त्रिवेदी जी को अपने दिल पे हाथ रख के कह देना चाहिए था। फिर आपको 9 दिन इंतजार करने की क्या जरूरत थी? आप वहीं से कर देते, फला आदमी मुख्यमंत्री बना, लेजिस्लेचर कमेटी की, लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग की भी बुलाने की कोई जरूरत? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? बार लोग कहते हैं कि भाजपा अलग नहीं है, कांग्रेस जैसी हो गई, ये कोशिश होती है। तहसीन भाई का तो समझ में आता है, लेकिन आशुतोष जी कहते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि वो तो सबको देखा है उन्होंने अंदर बाहर से। कांग्रेस पार्टी यही होती तो अभी आपको 5 विधायक अलग अलग ताकत और मुख्यमंत्री पद के दावेदार जयपुर से लेकर दिल्ली तक अलग अलग पत्रकारों को बयान दे रहे होते, लामबंदी हो रही होती। इन 9 दिनों में ना रिसॉर्ट बुक हुए होते, रिसॉर्ट बाहर कोई डीके शिवकुमार लाया जाता, बाहर किसी ताकतवर आदमी को लाया जाता, तब अगर भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो उनको भी लगाया जाता था। ये फर्क है, और भारतीय जनता पार्टी कैडर वाली पार्टी है, वो अगर कहती है पार्टी विद द डिफरेंस, तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत फर्क है। आशुतोष जी देखिए, बौद्धिक लोग जो होते हैं वो अपने बचाव के तर्क कैसे गढ़ते हैं। आज कह रहे हैं कि साहब किसी को बना देने से, कोई पद दे देने से कुछ नहीं होता, और वो लोग हैं जो कहते हैं कि कितने मुसलमानों को टिकट दिया, आज कह रहे हैं कि यादव को मुख्यमंत्री बना दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, उन्होंने मुलायम सिंह जी के लिए कहा कि वो पिछड़े वर्ग के इतने बड़े नेता थे और अगर होते तो सरकार ही नहीं जाती। आशुतोष जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने थोड़ा मुलायम सिंह जी को कम आंका, जब मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने पिछड़ों के नेता नहीं थे, धरती पुत्र मुलायम सिंह थे। बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल, छोटे लोहिया सबके नेता थे। फिर गलती क्या हो गई, सरकार क्यों चली गई, अपने को संकुचित किया, पिछड़ा नेता।
फिर और संकुचित किया यादव नेता। जब सत्ता देने की बात आई तो मैं, मेरा भाई, मेरा दूसरा भाई, मेरा बेटा, और आखिर में तो भैया, अपने भैया और पुत्र के बीच में ऐसा घमासान हुआ कि उनके लिए धरती पुत्र को संकुचित होते होते ये तय करना मुश्किल हो गया कि मैं भाई का नेता हूं या पुत्र का नेता। इसलिए सरकार गई, मौके जनता सबको देती है, फिर यह तय होता है कि आप मोदी जी की तरह सबका साथ सबका विकास पे चलते हैं या संकुचित होते हुए अपने परिवार की तरफ बढ़ते। बिल्कुल ही वो परिवार वाली पॉलिटिक्स जी बहुत अच्छा बोलते हैं, रेटरिक्स बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कभी कभी तथ्यों के साथ झोल कर देते हैं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में बलराज बधोक को किसने निकाला था मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल्याण सिंह ने जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था मुखौटा नोच दूंगा, और इसी तरीके से कहा था जमीन के 6 गज नीचे गाड़ दूंगा। और उन्होंने वो जब अलग पार्टी बनाई, क्या वो वर्टिकल डिवीजन नहीं था? उमा भारती ने जब विद्रोह किया, पार्टी बनाई, पार्टी छोड़ी, क्या वो वर्टिकल डिवीजन नहीं था? येदुरप्पा ने जब कर्नाटक के अंदर पार्टी छोड़ी, पार्टी बनाई, बीजेपी को हराया, क्या वो वर्टिकल डिवीजन नहीं था? और तो और झारखंड चले जाइए, बाबूलाल मरांडी, उन्होंने पार्टी तोड़ी, अलग हुए, क्या वो वर्टिकल डिवीजन नहीं था? तो ये तथ्यों के साथ खेलना सुधांशु जी को आता है, ये मैं जानता हूं। स्माइलिंग, लेकिन ऐसे ही पार्टियां जब आलाकमान कल्चर पे चलती हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हाल कांग्रेस पार्टी का हुआ वही हाल बीजेपी का ना हो। आशुतोष, कुछ थोड़ा सा झोल आप भी कर गए, ये सब छोड़ कर गए थे और सब वापस आए बीजेपी में, वहाँ अलग हुआ। सुधांशु त्रिवेदी जी आगे, सुधांशु त्रिवेदी जी आगे, चिदंबरम जी आगे, प्रणब मुखर्जी प्रणब मुखर्जी आगे, आशुतोष जी आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह को निकाला गया था, सर विश्वनाथ प्रताप सिंह को निकाला गया था, बाकी सब छोड़ के गए, तो ये सब छोड़ के गए। आप बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं मान्यवर, आप आशुतोष जी आपको जवाब देता हूं, आप जब छोड़ के गए थे, आप ये कह रहे हैं प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, ऐसा झोल मत दीजिए। जब कल्याण सिंह जी छोड़ के गए तो कितने विधायक थे? 2। फिर कल्याण सिंह जी वापस आए तो क्या बोले? मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आए। और अपनी पार्टी क्या नाम रखा? राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। जब उमा भारती जी गई तो भारतीय जनशक्ति पार्टी। आपके यहां तो जब छोड़ के गए तिवारी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। और आज की भी जो कांग्रेस है ये डिवाइड हुई, कांग्रेस का चिन्ह चला गया। याद करिए सर, वो गाय बछड़ा हुआ करता था, पहले दो बैलों की जोड़ी हुआ करती थी, फिर पंजा क्यों आया था? क्योंकि आज की कांग्रेस पार्टी, जिस समय उस समय के ब्रह्मानंद रेड्डी ने रिजाइन करने से इनकार किया, 2 फाड़ हुआ, और उसके बाद ये कांग्रेस आई के रूप में रजिस्टर। इसलिए मैंने कहा सर ये आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है आपको उसका पक्ष लेना है, मगर सर झोल मैं नहीं कर रहा हूं, सर दर्शक देख रहे हैं झोल कौन कर रहा है। ये भी ठीक है, क्या बात है, जावे ना तोफा कबूल कर। ओ भैया डिबेट तो गजब थी वाली। और लेकिन देखो वो वाली बात आई ना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कास्ट के बेसिस पर ही सब कुछ होना होता है ना, तो वही वाली बात है, मुलायम यादव वाली बात कर दी भाई, उन्होंने क्या कर दी, राजनीति ऐसा कर दी कि अपने ही परिवार में ही बांट लिया। फिर आखिर में देखा था कलेश भी उनके आपस में होने लग गया था कि ये नहीं मैं बनूंगा, नहीं मैं बनूंगा, मेरे आदमी को टिकट मिलेगी, ये हो जाता है वो रहता। एक चीज तो पता ही है, पॉलिटिक्स बहुत वो वाली चीज है ना, फिल्म द ब्लैंक तो आपने कर ही लिया होगा। बाकी जिस तरीके से एक स्माइलिंग फेस के साथ सुधांशु सर जो डिबेट में जो वो क्या अपने विचार प्रस्तुत करते हैं ना, आगे वाले भी कहते हैं देखो वो जब उनके पास कुछ नहीं होता कहने का तो क्या कहते हैं सुधांशु जी ना, बातों को पेश बहुत अच्छा करते हैं। अरे पेश अच्छा तो करते हैं लेकिन वो फैक्ट्स ही बोलते हैं, तो अब उन फैक्टों को टैकल कर बहुत सारी। और अभी तो भैया दूर दूर तक मुझे ये लगता है कि बाकी पार्टियों के पास ना कुछ वो नहीं है ठोस, वो मुद्दा वो ठोस मुद्दा कि जिसके ऊपर वो इलेक्शन लड़े और जिसके ऊपर फिर लोगों का विश्वास भी दिखे। ये वक्त मुझे लगता है हिंदू मुस्लिम वाला नहीं रहा, ये वक्त है डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, देश की तरक्की का। और मैं कमेंट पढ़ रहा था एक दो वीडियो पहले पे ही, सुधांशु सर की वीडियो ही थी शायद, इसमें अब वो भदूरिया थे है ना जो टमाटर लेके आया था एक बार, उसमें मैंने महंगाई का जिक्र किया था, ठीक है, तो लोगों ने अच्छी कमेंट कर दी कि आदि इनको ना सिर्फ महंगाई 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 ही करना है, टमाटर प्याज पे ही, ये नहीं देख रहे देश कहाँ पहुंचा। और सच्ची वाली बात है, एक बार बता दो
तनख्वाह मैं जो गरीब लोग हैं ना उनके लिए सरकार वैसा भी कर रही है, राशन दे रही है उनको, फ्री में भी दे रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हर एक चीज हो रही है, लेकिन जो कमा रहा है ना वर्ग उसको भी क्या है कि सिलेंडर सस्ता ही चाहिए। हाँ। अपनी तनख्वाह, अपनी बेटी, अपने बेटे की नौकरी 50,000-40,000 की लगी भी होगी ना, फिर सिलेंडर तो 1100 का हो गया, सिलेंडर तो 1200 का, ये नहीं कह रहे कि और मेरे बेटे की नौकरी 50,000 की लग गई। हाँ। उन्हीं बच्चों का बाप कमाता था 10,000-11,000 रुपए आज से 10 साल पहले, लेकिन बेटा आज अपने बाप से 5 गुना कमा रहा है जॉब लगते ही, वो नहीं दिखाई देता किसी को। लेकिन महंगाई, महंगाई कुछ मेरे को समझ नहीं आता, जिस भाई ये देख लो ना 10 साल में नौकरी 12,000 की नौकरी लगभग 3-4 गुना पैसे बढ़ गए है ना, सिलेंडर डबल ही होगा लेकिन नौकरी तो और ज्यादा ही होगी। भाई यार प्याज टमाटर पे लड़ते रह जाओगे, स्कूल की एजुकेशन बच्चे को पढ़ाने के लिए इतना वो कर देते हैं है ना, नहीं बच्चे को और अच्छा भेजना, बच्चों को भी भेजना, बच्चों फोन भी दिला, थोड़ा सा हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ ये चीज मुझे लगती है कि एजुकेशन महंगी हो रही है, वो एक मुद्दा है कि एजुकेशन जो है प्राइवेट स्कूल में बहुत ज्यादा फीस ली जा रही है, फीस भी और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तो मतलब ड्रामा के नाम पर ये मुद्दे होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पे जो बहुत एक्स्ट्रा चीजें, ये प्याज टमाटर की जो बात कर देते हैं। हाँ। क्या एक बात बता, फिर जो मंडी में जो बैठा है कि एक आदमी जैसे घर के पास मंडी छोटी सी लगती है, वो आदमी महीना कितना कमाएगा है, उससे भी टमाटर आप 30-40-50 की जगह उससे भी सोच रहे 10-11 का ही मिल जाए आपको। भाई बहस करनी है एजुकेशन लेवल पर करो कि वो एजुकेशन जो स्कूलों में मिल रही है उस पर थोड़ी सी रोक होनी चाहिए, बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है, वो चीज है जो मुझे भी लगती है। प्याज टमाटर लेके आ जाना डिबेट में कि लो मैं टमाटर लाया हूँ आज जी इसका रेट बताओ, यार क्या बात करते हो, फिर जब सस्ता होता तब क्यों नहीं आते है, कभी तो योगा करने की पोजीशन में कोई आता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करेगा, मिलते हैं कपड़ियों के साथ, बाय टेक केयर।